खेत में बकरी चराने से मना करने पर एक महिला के साथ जमकर मारपीट की गई। नतीजतन कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई। घटना बैसा प्रखंड के रौटा थाना क्षेत्र स्थित पंदरपुर गांव की है। जहरुल हक की पत्नी रिकातन खातून के खेत में ग्रामीण रिजाबुल हक की बकरी घुस गई। लगातार बकरी के चरने से खेत की फसल बर्बाद हो गई। इस संबंध में रिकातन खातून ने जब ग्रामीण से मिलकर बकरी चराने से मना किया तो उल्टे रिजाबुल हक ने महिला के साथ गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार किया। मंगलवार के दिन रिजाबुल लोगों के साथ मिलकर रिकातन खातून के घर में आया और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन इलाज के लिए पीएचसी ले गए, मगर डॉक्टरों ने नाजुक हालत को देख पूर्णिया रेफर कर दिया। पूर्णिया आने के पहले ही महिला ने घर में ही दम तोड़ दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पूर्णिया भेज दिया गया। सर, ये बकरी का विवाद हुआ था 5 दिन पहले, उसमें झगड़ा हो रहा था, झगड़ा में गाली गलौज कर रहा था, उसे गाली गलौज में वो आकर के पूरा परिवार मिल के चले गया वो, और आकर के उसका घर पर आकर के 5-6 आदमी मिल करके उसको, वो अकेला था, वो जो है बहुत मारपीट किया। 5 दिन पहले उसका पकड़ा था, उसी का विवाद में वो लोग झगड़ झुट्टी में गाली गलौज कर रहा था। इसका बीच में रिजाबुल अपना परिवार को मिल करके लेकर के उसका घर पर जा करके उसको खूब मतलब अंदूरी मारा है। उसी मार का दौरान हम लोग हॉस्पिटल में उसको इलाज के लिए लाए और आज मतलब डॉक्टर साहब बोला कि इसको पूर्णिया लेके भागे। हम लोग जब तक तैयार होकर आ रहे थे इसका बीच में डेट कर। क्या नाम था मृतक का? रिकातन। घर पंदरपुर। कौन लोग मारपीट किया? मारपीट रिजाबुल किया था और उसका परिवार मिल करके। कौन लगेगा इसका रिश्ता में? इसका वो देवरे लगेगा गांव का हिसाब से। अभी हम लोग का अपना भाभी है ये। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद हनीफ। सर, हम लोग तो यहाँ चले आए, आप देखते हैं, आप पुलिस को लेकर हाथ में है, जो भी करेगा तो पुलिस वाला करेगा। हम लोग तो यहाँ गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? जी नहीं, अभी तक सुने सुनते हैं कि नहीं हुआ है। नहीं गया, जाने का बाद देखा तो ऐसे सब बात। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? बकरी का पास से सोचना दिया था। कितने लोगों को पर FIR हुआ है? FIR तो हमको मालूम है, बड़ा को मालूम था। कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं। क्या नाम है आपका? जिला।